आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में तीन स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ। सबसे पहला इन्फिनिक्स हॉट एसटी का करूंगा, उसके बाद टेन और जी का करूंगा और रेडमी 5। इन तीनों स्मार्टफोन का दोस्तों कंपैरिजन करूंगा, बताऊंगा आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या इस तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, किस स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन आपको खास मिलती है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये पूरा बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। तो तीनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। आप थोड़ी देर से इसे पॉज कर लियो, आप पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखी जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तीनों ही स्मार्टफोन की, तो आपको यहाँ पर टेनोर जी और रेडमी 5 और इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो आपने देख ही लिए होंगे। तो अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, यानी कि बिल्ड क्वालिटी तो बढ़ते किसकी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट एस 3 की। तो यहाँ पर आपको 5.7 इंच का 18:9 का आपको डिस्प्ले मिलता है। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको दी गई है। दूसरी तरफ मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो मेटल बिल्ड क्वालिटी का आपको मिलता है 5.5 इंच के 16:9 का आपको डिस्प्ले मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं रेडमी 5 की, तो यहाँ पर रेडमी 5 में आपको 18:9 का डिस्प्ले मिलता है 5.7 इंच का, और यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड क्वालिटी दी गई है। तो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों रेडमी 5 यहाँ पर सबसे पहला आता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद आता है इन्फिनिक्स हॉट एस 3। इसका डिस्प्ले की तरफ आपको इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में आपको 5.7 इंच का 18:9 का डिस्प्ले मिलता है, जबकि रेडमी 5 में भी आपको 18:9 का 5.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको यहाँ पर जो टेनोर जी है यहाँ पर वो 5.5 इंच का 16:9 का आपको डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ, तो आपको रेडमी 5 में HD+ मिलता है, इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में आपको HD+ मिलता है, जबकि टेनोर जी में आपको फुल HD का डिस्प्ले यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्क होने वाली है डिस्प्ले क्वालिटी की, वो काफी ज्यादा का फर्क आपको मिलेगी। अगर उसमें बात करता हूँ PPI की, तो PPI आपको 401 का मिलता है टेनोर जी की प्रायोरिटी, अगर आप एक अच्छा डिस्प्ले चाहते हो। हालांकि जो 5.7 इंच थोड़ा यहाँ पर बड़ा आपको स्क्रीन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं है अगर मैं 5.5 इंच से कंपेयर करता हूँ। तो अगर आपकी डिस्प्ले दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी टेनोर जी आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर मैं रैंक वाइज अगर मैं बात करूं, तो टेनोर जी सबसे पहला आता है, उसके बाद रेडमी 5 आता है, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट एस 3 आता है। इसके परफॉर्मेंस की तरफ जैसा आपको मैं बता दूं कि इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में आपको 435 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टर का प्रोसेसर है, और आपको रेडमी 5 में आपको 450 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 506 का आपको GPU मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं टेनोर जी का, तो टेनोर जी में आपको 626 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 506 का अगेन आपको यहां पर भी GPU मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करता हूं डे टू डे यूसेज में, आपको इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीनों ही फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर हाई ग्राफिक गेम्स की, अगर आप कोई हाई परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हो, तो टेनोर जी में काफी बढ़िया आपको मिलता है। और अगर मैं रेडमी 5 की अगर बात करूं, तो यहां पर भी आप अच्छे खासे आपको परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो दोस्तों अगर आप एक हाई अगर आप हेवी अगर आप एक परफॉर्मर है, तो आपके लिए टेनोर जी बेस्ट रहेगा। और अगर दोस्तों आपको ज्यादा हेवी नहीं चल, तो अगर आपको मतलब थोड़ा अच्छा भी अगर आपको परफॉर्मेंस मिलता है, तो आपके लिए रेडमी 5 बेटर रहेगा। और अगर आपको बस डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, मतलब आप डे टू डे यूसेज नॉर्मल आप यूजर हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 435 का आपको प्रोसेसर आपके लिए सही रहेगा। हालांकि 435 का जो प्रोसेसर है हाई ग्राफिक गेम को हैंडल कर लेता है, लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये हाई ग्राफिक गेम के लिए नहीं बना है। तो दोस्तों अगर मैं प्रोसेसर वाइज अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर टेनोर जी सबसे पहला आता है, रेडमी 5 सेकंड में आता है, और थर्ड में यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट एस 3 आता है। इसके बैटरी की तरफ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स हॉट एस 3 और टेनोर जी दोनों में आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जबकि रेडमी 5 में आपको 3300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। तीनों ही स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है। अगर दोस्तों मैं बैटरी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो कि इन्फिनिक्स हॉट एस 3 में आपको 435 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 20 नैनोमीटर बना हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों अगर मैं बैटरी की अगर बात करूं, तो यहां पर थोड़ा 14 नैनोमीटर जो टेनोर जी में जो 626 का जो प्रोसेसर यूज किया है, उसमें थोड़ा आपको बैटरी स्लाइड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 14 नैनोमीटर है पावर एफिशिएंट होता है, और दोस्तों ये काफी ज्यादा पावर सेव करता है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर डे टू डे यूसेज की, यानी कि इसकी बैटरी बैकअप कितना दिन का दे सकता है, तो इन्फिनिक्स हॉट एस 3 भी आपको 1.5 दिन तक आपको दे देगा एवरेज टू नॉर्मल, एवरेज टू मॉडरेट यूसेज के लिए। और टेनोर जी भी आपको एवरेज टू मॉडरेट यूज में आपको 1.5 दिन का बैटरअप दे देगा, जबकि रेडमी 5 में आपको एवरेज टू मॉडरेट में आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों मैं रैंक वाइज अगर बात करता हूं, तो टेनोर जी दोस्तों सबसे पहला आता है, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट एस 3 आता है, उसके बाद आता है रेडमी 5। इसके लास्ट कंपेरिजन
कंपैरिजन की तरफ जो कि है कैमरा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैमरा वाइज अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे हो, अगर आपकी प्रायोरिटी एक बेटर कैमरा है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर दोस्तों जो Redmi 5 है, यह आपको थोड़ा एवरेज आपको कैमरा मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा, अगर आपको एक्सेलेंट कैमरा चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Infinix Hot H3 और Tenor G में आप इन दोनों फोन में से आपको एक फोन को देख सकते हो। Infinix Hot H3 में दोस्तों आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और रियर में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि और दूसरी तरफ आपको Tenor G में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। यहाँ पर कोई डुअल रियर कैमरा मिलता है, वो भी 13 मेगापिक्सल का है, एक आरजीबी सेंसर और एक मोनोक्रोम सेंसर। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसकी रियर कैमरा की, दोनों के ही रियर कैमरा अच्छी है, लेकिन दोस्तों कलर रिप्रोडक्शन में और शार्पनेस में आपको Tenor G बहुत ही आपको अच्छा मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ Redmi 5 की, तो Redmi 5 में दोस्तों डे लाइट में ये काफी अच्छा पिक्चर ले लेता है, लो लाइट में काफी स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा अगर आप एक रियर कैमरा वैसे अगर आप देखें तो आपको Tenor G और Infinix Hot H3 आपको बेटर रहेगा। और दोस्तों अगर मैं बढ़ता हूँ इसकी फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में दोस्तों आपको 20 मेगापिक्सल का Infinix Hot H3 में आपको मिलता है, 16 मेगापिक्सल का Tenor G में मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको Redmi 5 में मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा, तो Redmi 5 यहाँ पर बिल्कुल से आपको एवरेज परफॉर्मेंस देगा, यानी कि दोस्तों Redmi 5 की यहाँ पर बात नहीं आती है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखना जाएगा तो यहाँ पर Tenor G और Infinix Hot H3 में आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। तो अगर उसमें क्वालिटी की बात करता हूँ, Infinix Hot H3 में आपको काफी अच्छा क्वालिटी मिलता है, लेकिन दोस्तों कभी कभार डिटेलिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार होती है। और दोस्तों अगर मैं Tenor G की बात करूँ, तो Tenor G में दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ही दोस्तों अच्छा पिक्चर को क्वालिटी मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी अच्छी बात है कि जूम करने के बाद भी ये फटता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक निराश वाली बात है कि Tenor G में आपको एक्सपोजर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से हो सकता है कि आपको पिक्चर्स के ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ाना पड़े और शायद वो ब्राइट उतने पिक्चर नहीं आए। तो दोस्तों अगर मैं रियर कैमरा अगर फ्रंट कैमरा की बात करता हूं, तो यहां पर दोस्तों Tenor G सबसे पहला आता है, उसके बाद आता है Infinix Hot H3, उसके बाद आता है Redmi 5। बात कर बढ़ते हैं इसके वीडियो क्वालिटी, तो यहां पर दोस्तों कुछ उल्टा होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो वीडियो क्वालिटी, तीनों ही स्मार्टफोन कैपेबल है 1080p वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अगर मैं Infinix Hot H3 की अगर बात करता हूं, तो Infinix Hot H3 में यहां पर आपको 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी मिलता है, स्टेबलाइजेशन भी थोड़ी बहुत आपको ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं Tenor G की बात करूं, तो दोस्तों बिल्कुल भी, अगर आप एक ऐसे एक वीडियो कैमरा वाइज अगर आपको अच्छी क्वालिटी अगर आप देख रहे हो कोई फोन, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा Tenor G, बिल्कुल मतलब, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी है वो ना तो स्टेबल है और ना ही क्वालिटी इतना आपको बढ़िया देखने को मिलता है Tenor G में। हालांकि अगर मैं कंपेरिजन करूं Redmi 5, तो Redmi 5 में भी आपको Tenor G से काफी बढ़िया आपको वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो Tenor G का तो फ्रंट कैमरा इवन ये भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। और अगर मैं बात करता हूँ Tenor G के रियर कैमरा में, तो यहाँ पर फोकसिंग की वीडियो कैमरा में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर दोस्तों कैमरा वाइज में अगर बात करता हूँ, Tenor G को बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपका प्रायोरिटी वीडियो कैमरा है, तो आप Tenor G को बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिए। Infinix Hot H3 आपके लिए अच्छा रहेगा, Redmi 5 में भी इवन आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। कुछ इसकी मेगा कंपैरिजन बिटवीन Tenor G, Infinix Hot H3 और Redmi 5 के बीच में, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर है कि इन तीनों में से, यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया हूँ कंपेरिजन करके बताओ, कुछ एक्सपीरियंस मेरे थे वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, इन दोनों में से कौन सा, इन तीनों में से आपको कौन सा फोन अच्छा लगता है, ये आपके ऊपर, आप उसे ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ ब्रांड है, दूसरी तरफ पावर है और तीसरी तरफ लुक है, तो आपको इनमें से कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहला जरा बता दूं, अगर आप दोस्तों एक नॉर्मल यूजर है, आपको बस डिसेंट सा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप व्हाट्सअप, फेसबुक और मीन्स आप कभी कभार गेम्स भी खेले, लेकिन आप ज्यादा हाई ग्राफिक गेम नहीं खेलते, आपको कैमरा आपके अच्छा चाहिए, तो आप Infinix Hot H3 ले सकते हो। या फिर आप एक परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हो, आपको कैमरास भी अच्छी चाहिए और आपको बैटरी भी अच्छी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको Tenor G भी काफी अच्छा रहेगा। Tenor G में भी दोस्तों कैमरा आपको काफी अच्छा मिलता है, हालांकि वीडियो कैमरा आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। और अगर यहाँ पर मैं बैटरी, तो बैटरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट आपको Tenor G फुल वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। और दोस्तों अगर आप एक ब्रांड देना चाहते हो, यानी कि दोस्तों इन दोनों ही फोन का जो कंपनी है वो एकदम नई है, तो आपको यहाँ पर आप सोचोगे कि यार ये कंपनी, ये फोन लेना यहाँ पर से कोई नई कंपनी, इसका सर्विस सेंटर क्या होगा, तो दोस्तों आप ऐसे में आप Redmi 5 को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस 450 का प्रोसेसर आपको मिलता है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी रहेगी, बैटरी आपको डिसेंट सा रहेगा और यहाँ पर कैमरा आपको एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीनों ही फोन्स काफी अच्छी है, तो ये आपके ऊपर, इन तीनों में से आपको क्या आपकी प्रायोरिटी, वही हिसाब से आप इस फोन को ले सकते हो। मेरी माने तो अगर मैं प्राइस को देखते हुए मैं कौन सा फोन को सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहला दोस्तों आपको Infinix Hot H3 आपको 9000 में मिलता है, Redmi 5 का भी 3GB रैम वेरिएंट आपको 9000 में मिलता है, जो Tenor G ये आपको 8000 में मिलता है। दोस्तों अगर मैं होता तो यहाँ पर Tenor G को
इसलिए कंसिडर करता क्योंकि दोस्तों यहां पर मुझे काफी सारे मुझे मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है इस फोन में और काफी सारा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, स्पेसिफिकेशन वाइज काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों जो वीडियो कैमरा वाइज अगर दोस्तों मैं देखी जाए तो मैं इन्फिनिक्स वाटर स्ट्री पर जाऊंगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो वीडियो कैमरा है वो उतना बढ़िया नहीं है, बाकी दोनों की वीडियो कैमरा आपको बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करना और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी आप साथ में प्रेस करना, तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।